सो हाय फ्रेंड्स, तो गुजरात में मोस्ट ऑफली विद्यार्थी से डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप फॉर्म भरता हुए। डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप से सत्र 21-22 त्यार पछी 22-23 स्कॉलरशिप से हजू सुधी पेन्डिंग है। घना बदा विद्यार्थी ने कॉलेज पण पूरी थवावी है, परंतु इन्हें जे स्कॉलरशिप से हजू सुधी जमा नहीं थी। तो आना पहला पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाव्यो हतो कि तमारी स्कॉलरशिप जमा नहीं थी तो तमारे डीबीटी स्टेटस चेक कर लेवू जोईए। तो डीबीटी स्टेटस तमारे कई रीते चेक करवो जोईए, जो हजू सुधी वीडियो तमे ना जोयो तो वीडियो जोई लेजो। तमारू डीबीटी स्टेटस है एक्टिव होवू जोईए, कारण के पहला फक्त एक ज नियम हो कि आधार कार्ड से बैंक साथ लिंक होटी स्कॉलरशिप से जमा थी जाती थी। हमें तमारू डीबीटी स्टेटस है ये एक्टिव होवु जो। तो डीबीटी स्टेटस है चेक करने कई वेबसाइट में जानू है, कई रीते चेक करूँ तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वीडियो तुम्हें पहले जी लो। और डीबीटी स्टेटस एक्टिव है कि नहीं ये चेक कर लेवा है। आ वीडियो में आप ये चर्चा करी कि 20 तारीखे एक नोटिफिकेशन से डिक्लेर करती कि जन विद्यार्थियों ने हजू सुधी डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप नहीं आई तो यहाँ त्रो पॉइंट से आप त्रय पॉइंट से व्यवस्थित होवाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप से जमा थी जैसे। घना बदा विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप से जमा थी रही है, कम छता मैंने इंस्टाग्राम में प्रश्न आए कि सर मार क्लासमेट की स्कॉलरशिप आ गई है परंतु मेरी स्कॉलरशिप हजू सुधी जमा नहीं थी। तो मित्रों वीडियो जो लो, आ त्रोण पॉइंट में तुम्हारे एक पॉइंट पॉइंट से बाकी हे तो तुम्हारी स्कॉलरशिप से जमा नहीं थे, बाकी घना बदा विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप से आ रही है। तो आ वीडियो में आप नीचे आशो तो अँ तक पहले पॉइंट जो मैं कि तुम्हारा आधार सीडिंग से कम्प्लीट होवु जो। मैं तमाम वीडियो में तुमने कीधुँ कि तुम्हारा बैंक अकाउंट से आधार कार्ड साथ लिंक से होवु जो। अँ तक त्रोण पॉइंट से जवाब मिले कि जन विद्यार्थियों आधार कार्ड अपडेट न हो इनएक्टिव हो विद्यार्थियों ने आधार कार्ड सेंटर पर जाए और केवाईसी की विगत आप आधार कार्ड से अपडेट करवा रहे। एटले कि घना बदा विद्यार्थियों आधार कार्ड से घना वर्षों पहला कढ़ावेलू हो त्यार पछी एने आधार कार्ड से अपडेट न करी होटले कि केवाईसी अपडेट न करी हो तो एना बैंक साथ लिंकिंग में प्रॉब्लम से आए तो तमारो आधार कार्ड से अपडेट करा लेव। अपडेट करा मारो मतलब ए कि तमारो आधार कार्ड से तमे 7-8 वर्ष पहला कढ़ाव्यू हो त्यार पछी तमे बैंक अकाउंट से खोलू हो तो तमारो आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक करवा प्रॉब्लम से आए तो तमारे आधार कार्ड से अपडेट करा लेव। त्यार पछी बीजो प्रॉब्लम है कि जे विद्यार्थियों ने बैंक अकाउंट अपडेट न हो इनएक्टिव हो विद्यार्थियों ने पता बैंक ब्रांच में जाइने बैंक अकाउंट से एक्टिव करवा रहे। घना बदा विद्यार्थी से कि बैंक अकाउंट से खोली नाखी हो परंतु बैंक अकाउंट में एलों लेवड़ देवड़ ना करता हो तो बैंक अकाउंट से इनएक्टिव थी जत हो तो एने बैंक में जाए और एक्टिव से करवा रहे। एट कि तुम्हारे थोड़ी लेवड़ देवड़ से कर लेवा है जीने तुम्हारे बैंक अकाउंट से एक्टिव थी जैसे। त्यार पे तीजो पॉइंट है कि जे विद्यार्थियों आधार नंबर बैंक खाता से लिंक नहीं तेवा विद्यार्थियों ने पता बैंक ब्रांच में जाए आधार कार्ड से बैंक साथ लिंक करा रहे। घना बदा विद्यार्थियों प्रश्न है कि सर अमर ऑलरेडी आधार कार्ड से बैंक साथ लिंक है कम छता पेमेंट नहीं आत तो छता डीबीटी स्टेटस चेक कर लेवा जेना पर मैं ऑलरेडी वीडियो बनालो बैंक मार्फते लिंक की विगत एनपीसीआई सर्वर पर मोकवा बैंक अधिकारी ने जाना रहे। एट्ले कि एनपीसीआई सर्वर पर बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं एक्टिव से करव पड़े।